अक्सर आपने लोगों को ये कहते हुए सुना होगा कि मेरी आंखों का तारा है मेरा बच्चा, मेरे जिगर का टुकड़ा है मेरा बच्चा, मेरे लिए सारा संसार है मेरा बच्चा, या फिर मेरी उम्र भी मेरे बच्चे को लग जाए। सुना है ना आपने? अब ज़रा सोचिए, बच्चा पैदा होने के बाद जो आपके लिए आपकी आंखों का तारा है, आपके जिगर का टुकड़ा है, आपके लिए सारा संसार होता है, उस बच्चे के पैदा होने के पहले और पैदा होने के बाद की आपने क्या क्या तैयारियां की हैं? मेरे कहने का मतलब ये है कि क्या आपको इस बात की जानकारी है कि जब एक महिला गर्भवती होती है तो उस दिन से लेकर अगले 1000 दिनों तक पहले उस महिला और बाद में महिला और बच्चे का कैसे ख्याल रखना है? आपको ये सुनकर भले ही आश्चर्य हो, लेकिन ये हकीकत है कि 1000 दिन ही उस बच्चे के संपूर्ण शारीरिक और मानसिक विकास का आधार है। इसलिए हमारा ये दायित्व है कि हम अपने भविष्य के आधार को मजबूत करें। आप भी सोच रहे होंगे कि ये एनएम दीदी इन 1000 दिनों के क्या पहेली लेकर आई हैं? तो चलिए मैं आपको विस्तार से बताती हूँ 1000 दिनों के महत्व के बारे में, और साथ ही साथ आपको ये भी बताती हूँ कि इस दौरान आपको क्या क्या करना चाहिए और क्या क्या नहीं करना चाहिए। गर्भधारण से लेकर बच्चे का 2 साल तक के हो जाने का समय बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इसी समय को हम 1000 दिन कहते हैं। इन्हीं 1000 दिनों में बच्चे के शरीर और दिमाग का विकास होता है। प्रसव से पहले बच्चा गर्भ में माँ पर ही निर्भर होता है, इसलिए सबसे पहला चरण है गर्भावस्था। दर्द का पता चलते ही अपने नजदीकी आंगनवाड़ी केंद्र में पंजीकरण कराएं। पंजीकरण कराने से आप सरकार द्वारा दी गई अलग अलग सुविधाओं का लाभ ले सकते हैं। आंगनवाड़ी केंद्र जाकर कम से कम 4 प्रसव पूर्व जांच या ANC जांच कराना चाहिए। इन जांचों के दौरान माँ और बच्चे के विकास पर ध्यान दिया जाता है। यदि माँ या बच्चे में कोई भी खतरे के लक्षण दिखते हैं तो इन जाँचों में उन्हें पहचाना जाता है और जल्द से जल्द उसका इलाज किया जाता है। आंगनवाड़ी में माँ को पोषक आहार की भी जानकारी दी जाती है, जिससे बच्चे का अच्छे से विकास हो, क्योंकि गर्भ में पल रहे बच्चे को माँ से ही आहार मिलता है। 4th महीने से ही आयरन की गोली लेना शुरू करें और पूरे गर्भावस्था के दौरान आयरन की गोली खाते रहें। इससे बच्चे से खून का रिश्ता बनता है और आपका शरीर प्रसव के लिए तैयार रहता है। जब प्रसव का समय आए तो अपने बच्चे के जन्म के लिए घर नहीं अस्पताल ही चुनिए। ओ नमस्ते दीदी। नमस्ते नमस्ते, आइए बैठिए बैठिए। कैसी हो सलोनी? सब भगवान की कृपा है दीदी। अच्छा एक बात पूछूं? हाँ दीदी पूछिए ना। तुम्हारे कितने बच्चे हैं और जब तुम गर्भवती थी तब तुमने क्या क्या तैयारियां की? मेरे 2 बच्चे हैं और मैंने तैयारी के नाम पे अपने खान पान के साथ साथ ये निर्णय लिया था कि मेरा प्रसव अस्पताल में ही होगा। ऐसा क्यों? दीदी आप तो ऐसे बोल रही जैसे आपको कुछ पता ही नहीं। जब मैं प्रसव के लिए अस्पताल में थी तब वहाँ डॉक्टर ने ये पूरा ध्यान रखा था कि मेरे साथ साथ मेरे बच्चे को भी कोई खतरा ना हो, और अस्पताल की नर्स ने तो मुझे अच्छे से सिखला दिया था कि बच्चे को स्तनपान कैसे करवाना है, और मैंने अपना पीला गाढ़ा दूध भी बच्चे को पिलाना शुरू कर दिया था, और इसी के दौरान मेरे बच्चे का पहला टीकाकरण भी अस्पताल में हो गया। यहाँ वीडियो रोककर चर्चा करें। गर्भधारण का पता चलते ही गर्भवती महिला का पंजीकरण करें। गर्भावस्था के दौरान गर्भवती महिला को कम से कम 4 ANC जांच जरूर करवाना चाहिए। गर्भावस्था के 4th महीने से आयरन की गोली जरूर लेनी चाहिए। गर्भवती महिला को पोषक आहार लेना चाहिए और आराम करना चाहिए, जिससे बच्चे का विकास अच्छे से हो। प्रसव हमेशा अस्पताल में प्रशिक्षित डॉक्टर से ही करवाना चाहिए। अस्पताल में बच्चे का पहला टीकाकरण भी हो जाता है। प्रसव के पहले घंटे में बच्चे को माँ का पहला पीला गाढ़ा दूध पिलाना चाहिए। ये बच्चे के अच्छे स्वास्थ्य की नींव होती है।
सलोरी ने तो पूरी समझदारी से काम लिया, अपने प्रसव पूर्व पूरी पूरी तैयारी कर रखी। लेकिन क्या इसकी बातों से आपको पता चला कि इन हजार दिनों का अगला चरण क्या है? नहीं ना? तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। पंजीकरण कराने के बाद ये सबसे जरूरी है कि महिला का प्रसव अस्पताल में ही हो। अस्पताल में प्रसव करवाने के बहुत सी वजह हैं। एक तो वहाँ प्रसव प्रशिक्षित डॉक्टर्स की निगरानी में होते हैं, जिससे कि प्रसव के दौरान अगर कोई खतरा हो तो उसे आसानी से संभाला जा सकता है। प्रसव के बाद बच्चे की देखभाल कैसे करनी है ये माँ को बताया जाता है। और हाँ, सबसे जरूरी बात कि प्रसव के एक घंटे के भीतर ही माँ को अपना पहला गाढ़ा दूध बच्चे को पिलवाना शुरू किया जाता है। ये बच्चे के स्वास्थ्य की नींव है और बच्चे के लिए अमृत के समान होता है, और साथ ही साथ बच्चे का टीकाकरण भी हो जाता है। दूसरा चरण बच्चे के जन्म लेने से लेकर 6 महीने पूरा होने तक का होता है। माँ के दूध से बच्चे का केवल पेट ही नहीं भरता, बल्कि माँ के दूध में ऐसे अनेक तत्व पाए जाते हैं जिनसे बच्चों में बीमारियों से लड़ने की क्षमता बढ़ती है। इसलिए प्रसव के बाद माँ को बच्चे के 6 महीना पूरा होने तक केवल अपना ही दूध पिलाना चाहिए, पानी भी नहीं। इससे बच्चा तंदुरुस्त होता है। यहाँ वीडियो रोककर चर्चा करें। प्रसव के बाद पहले घंटे में माँ का पहला पीला गाढ़ा दूध पिलाना चाहिए। ये बच्चे के अच्छे स्वास्थ्य की नींव होती है। बच्चे के 6 महीना पूरा होने तक उसे सिर्फ माँ का दूध पिलाना चाहिए, पानी भी नहीं। तीसरे चरण में हम बच्चों के ऊपरी आहार की जानकारी देते हैं। अरे दीदी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते, कहाँ जा रही हो? दीदी मैं बागान जा रही थी। अच्छा, मुन्नी के लिए ना हरी सब्जी लेने के लिए। मुन्नी अब 10 महीने की हो गई है ना? हाँ हाँ। और आपने ही बताया था कि जब मुन्नी 6 महीना की हो जाए तो उसे तरह तरह की सब्जी मिक्स करके खिलाना चाहिए। हाँ हाँ सीता, वो मैं जानती हूँ। अच्छा एक काम करो, तुम ही आज हमारे दर्शकों को इसके बारे में सभी जानकारी दे दो। ठीक है दीदी। तो बच्चे को 6 महीने तक सिर्फ माँ का दूध पिलाना चाहिए और कुछ भी नहीं। और बच्चे जब 6 महीने के हो जाए तो उसे ऊपरी आहार देना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि बढ़ते बच्चे को पोषण देना बहुत ही जरूरी होता है। बच्चे के 6 महीना पूरा होने से लेकर 2 साल तक बच्चे को माँ के दूध के साथ साथ घर में बना खाना मिक्स कर खिलाना चाहिए। जैसे अभी बागान से हरी सब्जी लाकर मैं अपनी मुन्नी के लिए खिचड़ी बनाऊंगी। फल एवं सब्जियों को मिक्स के खिलाने के साथ साथ आप कभी कभी बिना छौंक के दाल में रोटी चावल या अंडा मिलाकर खिला सकती हैं। इससे बच्चा दिमाग से तेज और शरीर से स्वस्थ रहता है। एकदम सही कहा सीता। बच्चे के पूरे विकास के लिए ये है हमारा अगला चरण, यही कि बच्चे के 6 महीना पूरा होते ही उसे माँ के दूध के साथ साथ ऊपरी आहार भी देना शुरू कर दीजिए। और जैसे जैसे बच्चा बड़ा होगा ऊपरी आहार की मात्रा भी बढ़ानी होगी। बच्चे को क्या और कितनी मात्रा में आहार देना है इसकी जानकारी आप अपने आंगनबाड़ी केंद्र में सहिया दीदी से ले सकते हैं। समझ गए ना आप सब? यहाँ वीडियो रोककर चर्चा करें। बच्चे के 6 महीना पूरा होते ही उसे ऊपरी आहार देना शुरू कर देना चाहिए। ऊपरी आहार से बच्चे को ताकत मिलती है और वो तंदुरुस्त रहता है। बच्चे को घर में बना खाना अच्छे से मिक्स कर और घी डालकर खिलाएं। बच्चे को ऊपरी आहार के साथ साथ 2 साल तक स्तनपान कराना भी जरूरी है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाएगा वैसे वैसे आहार की मात्रा भी बढ़ती जाएगी। और अब अगली जरूरी बात, बच्चे का टीकाकरण। बच्चे को सही खान पान के साथ समय पर टीका लगवाना भी जरूरी है। वैसे तो माँ का दूध ही बच्चे को छोटी मोटी बीमारियों से बचा लेती है, लेकिन कुछ बीमारियां हैं जिनके लिए अस्पताल में टीका लगवाना जरूरी है। इससे आपका बच्चा स्वस्थ और तंदुरुस्त रहेगा। तो अब आप समझे इन हजार दिनों का महत्व, कितना जरूरी है इन दिनों माँ और बच्चे दोनों का ख्याल रखना। लेकिन हमारी तैयारी सिर्फ इन हजार दिनों तक ही सीमित नहीं रहनी चाहिए, है ना? अब आप सोच रहे होंगे कि दीदी अब ये क्या बोलने वाली हैं? अरे जब आपके घर कोई मेहमान आता है तब आप क्या करते हैं? आप अपने पूरे घर की साफ सफाई करते हैं, है ना? ठीक उसी तरह हमेशा खाना बनाने के लिए साफ पानी का इस्तेमाल करना चाहिए। खाना बनाने से पहले,
खाना खाने से पहले या बच्चे को खाना खिलाने के लिए हमेशा साबुन से हाथ धोना चाहिए। इससे परिवार स्वस्थ रहेगा। और हाँ, इन सभी चरणों के बारे में आप अपनी ANM दीदी से जरूर बात कीजिएगा। अब मैं चलती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि इन सभी चरणों का आप ध्यान रखेंगे और इसे अपनाएंगे भी। नमस्ते। ध्यान देने योग्य बातें। गर्भावस्था के दौरान गर्भवती महिला को कम से कम 4 ANC जांच जरूर करवाना चाहिए। गर्भावस्था के 4th महीने से आयरन की गोली जरूर लेनी चाहिए। गर्भवती महिला को पोषक आहार लेना चाहिए। प्रसव हमेशा अस्पताल में प्रशिक्षित डॉक्टर से ही करवाना चाहिए। प्रसव के पहले घंटे में बच्चे को माँ का पहला पीला गाढ़ा दूध पिलाना चाहिए। ये बच्चे के अच्छे स्वास्थ्य की नींव होती है। बच्चे के 6 महीना पूरा होते ही उसे ऊपरी आहार देना शुरू कर देना चाहिए। बच्चे को ऊपरी आहार के साथ साथ 2 साल तक स्तनपान कराना भी जरूरी है।